स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है आपके डिमांडिंग के अनुसार है। तो आप काफ़ी टाइम से मेरे से कमेंट्स कर रहे थे कि आप मुझे एक होम टूर वीडियो लेके आओ। तो आज मैं पहली बार होम टूर वीडियो दे रही हूँ आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ले आऊँगी अपने घर के अंदर। तो बाहर का मेरा घर ऐसा है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर में और नीचे रहते हैं मेरे सासू माँ, मेरे जेठ, मेरे जिठानी लोग और हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में मैं यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जो बाहर का पोर्शन है वो मैं आपको बाद में अटैच करके दे दूँगी या फर्स्ट में लगा दूँगी। ब्लॉग जो है शुरू भी यहीं से कर रही हूँ अपने घर के दिल्ली के आगे से। तो मैं रहती हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। तो ये सीढ़ियाँ मेरे घर को आती हैं, ऊपर को ये सीढ़ियाँ आती हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं गमले। और सबसे पहले है हमारा तुलसी का मंदिर, जो कि बहुत बड़ा तुलसी का पेड़ था। अभी वो तुलसी का पेड़ जो है वो हम लोग बाहर चले गए थे कहीं, तो वहाँ जाने की वजह से पेड़ सूख गया था। तो अभी नया पौधा लगा रखा है तुलसी का। तो अभी छोटा सा पौधा रखा है और थोड़े दिन बाद बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर एक रखा हुआ है फर्स्ट में, एक छोटा सा गमला। और ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है और थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पर नींबू का पौधा। और आज थोड़ी बहुत ही गमले हैं। और आज का मौसम जो है आज थोड़ा सा धुंधला मौसम हो रहा है, यानी हल्की सी हल्की बादल लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, ले जाती हूँ आपको अंदर अपना होम टूर दिखाने के लिए। आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में। तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, महल हो या झोपड़ी, सबके लिए अपना अपना घर बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज मैं आपको अपने छोटे से घर और अपने छोटे से स्वीट होम की व्लॉग देने वाली हूँ छोटा। उसमें सबसे पहले जो मेरा घर का आता है मेन रूम, बैठक। तो ये मेरा घर का एंट्रेंस में ही ये रूम है और इसमें लगा हुआ है एक तरफ से ये वाला सोफा और एक तरफ से ये वाले दो सोफे। और इसमें फोटोग्राफ लगी हुई है जिसमें कि हमारे सबसे पहले है राधे कृष्ण की फोटो। और इधर से हमारी लगी हुई टीवी। और यहाँ पर है मेरे निहारे का की क्यूट सी फोटो, जो कि बहुत पहले की है, बचपन की फोटो है। और इधर से लगी हुई है मेरे काना यानी दीपक की कृष्ण कन्हैया के रूप में फोटो, और ये फोटो जो है बहुत पहले की है। और इधर भी हमारे राधे कृष्ण की एक सुंदर सी फोटो लगी है। और इधर से है मेरे पतिदेव और मेरी बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कोलाज में फोटो लगी हुई है। तो ये है हमारे बैठक रूम के कुछ छोटे छोटे से थोड़ा बहुत जो हमने सजावट कर रखी है वो ही। तो अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो थोड़ा बहुत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा है कि आगे थोड़ा सा हमारा खाना बड़ा हो जाएगा तो फिर हम जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी लाने वाले हैं। कोई खास हमने घर घर को सजावट नहीं दी है। तो ये है हमारा पहला कमरा और यहाँ से इसमें एक विंडो यहाँ से है जो कि हम इधर से देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। तो यहाँ से ये पीछे वाली साइड को यानी पीछे वाली रोड दिखती है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे थ्री विंडो खिड़की है और एक खिड़की हमारी इधर से है। तो इधर से हम अपने सासू माँ मतलब हमारे नीचे की साइड को दिखता है। और मेन दरवाज़ा हमारा ये है जहाँ से हम अंदर बाहर करते हैं। तो ये है मेरा वॉशरूम, यहाँ से वॉशरूम की एंट्री है। और ये है दरवाज़ा, इसके पास भी एक दरवाज़ा है ये वाला। तो इसके बाद मेरा बाथरूम है और यहीं से है मेरी छत के लिए सीढ़ियाँ जो कि हमने यहाँ से भी बंद कर रखी हैं, यानी सुबह मतलब हमको जब जाना होता है हम तभी खोलते हैं, नहीं तो यहाँ से आ जाता है बंदर। तो इसको हम बंद करके रखते हैं और इसके बाद में दो दरवाजे खुलने के बाद हम जाते हैं बाथरूम। तो और इधर से आता है हमारा किचन। तो यहाँ से आता है हमारा किचन। तो पहले मेरा किचन जो था वो अंदर से घूम के आना पड़ता था, अंदर कमरे से बना हुआ था। तो बाद में मैंने इसको एक नया रूप दे दिया तो मैंने किचन का दरवाज़ा यहाँ से निकाल दिया है। और किचन में जाने से पहले मैंने रखा हुआ है एक छोटा सा गमला यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो आइए किचन में ले चलती हूँ आपको। ये है मेरा प्यारा सा किचन जो कि आप हर ब्लॉग में देखते हैं मुझे, सुबह शाम दिन में हमेशा तीनों टाइम मेरे को इस किचन में आप लोग देखते हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा किचन, हर किसी के लिए अपना किचन बहुत ही प्यारा होता है। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपना किचन बहुत प्यारा लगता है। तो इनमें ये मेरी क्रॉकरीज है जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और ये मेरे कंटेनर हैं आटे चावल के जो कि नीचे रखे हुए हैं, खुशी से दिखाओ, जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे आटे चावल के कंटेनर। और इधर को आता है मेरा गैस का चूल्हा। और अभी हमने जस्ट खाना खा रखा है। तो आज का ब्लॉग जो है ये होम टूर ब्लॉग में ले के आ रही हूँ आपके लिए दिन में 2 बजे से। और ये है मेरी स्लैब जिसमें कि मैंने यहाँ पर कप
स्टैंड रखा हुआ है, प्लेट स्टैंड रखा हुआ है, साथ में मैंने रखा हुआ है अपने मसालदानी यानी मसाले का स्टैंड। किचन के मेरे इधर साइड को भी एक विंडो है और जहाँ से दिखता है पूरा किचन के पीछे की साइड को, और यानी अपना हमारा यहाँ से नैनीताल का व्यू भी दिखता है। अभी तो धुंध छाई हुई है लेकिन पूरा नैनीताल के यहाँ पर भी दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है, ग्रीन पॉट, जो कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसको देख के, और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है इसको देखने से, और बहुत अच्छा लगता है। तो किचन में सुबह सुबह आने से ना अगर साफ सफाई हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये था मेरा किचन जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए अंदर ले चलती हूँ आपको। तो ये मेरा फर्स्ट रूम है, मेरे अंदर बैठक रूम से एंटर करते ही ये मेरा फर्स्ट रूम है, और जहां पर मैंने रखा है अपना प्यारा सा गोपू, तो इसका नाम हमने गोपू रखा हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा है। और यहाँ पर इस वाले बैठक में कोई नहीं सोता है, ये मेरी शिखा का रूम है, जब शिखा घर में आती है तब वो इस रूम में सोती है। और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर सजावट कर रखी है, जो कि शोकेस है, यहाँ पर बच्चों की हमारे जो भी स्कूल से इनको जो भी गिफ्ट यानी फंक्शन में जो भी मतलब इनको इनाम वगैरह मिले हैं तो वो हमने यहाँ पर सजा के रखी हुई है। और कुछ जोशी जी की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी आर्मी की जो भी तस्वीरें यहाँ पर थोड़ा बहुत लगी हुई हैं। और इधर को है एक अलमीरा, तो इधर को है एक अलमीरा जिसमें रखे रहते हैं हम बच्चों के कपड़े, बाकी सर्दी गर्मी के जो भी कपड़े हैं वो इधर को रख रहते हैं। तो आइए खुले चलते हैं अंदर। तो इस रूम के बाद मैं ले चलूंगी आपको सीधे अपने वाले रूम में जिसमें कि मैं रहती हूँ और मेरे साथ रहते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और रूम में एंटर करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्स टंगे हुए हैं, इधर भी पर्स टंगे हैं और इधर भी पर्स टंगे हैं। तो ये पर्सों को बिल्कुल भी बच्चों ने हाथ लगाने के लिए मना कर रखा, तो ये बच्चों के पर्स हैं जो कि ऐसे टंगे रहते हैं। तो आइए अंदर। तो अब आता है मेरा रूम जिसमें कि मैं सोती हूँ और मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे मेरे साथ सोते हैं। आपने काफी बार ब्लॉग में देख लिया होगा मेरा, कभी मैं शाम को बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ, मॉर्निंग में, दिन में, शाम में, मैं इसी लगा हुआ है ऊपर। तो हम गर्मियों में ज्यादातर हम सभी इसी रूम में सोते हैं, क्योंकि भयंकर जब गर्मी पड़ती है तो हम इसी रूम में सोते हैं, और सर्दियों में भी ज्यादातर हम इसी रूम में सोते हैं। और मेरे रूम में है एक मेरी शादी की अलमीरा, तो ये मेरी शादी की अलमीरा है, इसको मैं अभी चेंज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दी हुई है और इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गंदी हो गई है, तो बच्चों ने छोटे छोटे जब बच्चे थे बचपन में तो बच्चों की वजह से थोड़ा गंदी हो गई, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं इसको देखूंगी कभी भविष्य में, इसको मैं रिपेंट करा लूँगी या इसको चेंज करके नहीं ले आऊँगी, तो फिलहाल अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हमको मतलब अच्छी लगती है। और इधर साइड को है मेरी नेक्स्ट अलमीरा, इसमें भी हमारे कपड़े रहते हैं, तो इसमें ज़्यादातर रखे हैं खुशी ने अपने कपड़े, ये देखो खुशी ने सारे हैंगर में लगा के रखे हुए हैं, तो ये खुशी के कपड़े हैं। और नीचे वाले पोर्शन में है जोशी जी के कपड़े और मेरे कपड़े रहते हैं इसमें, आगे काना, खुशी, निकाना और निहारिका के कपड़े रहते हैं उधर सिखा के भी। तो आइए ले जाता हूँ आपको नेक्स्ट रूम में। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट रूम में यानी खुशी के रूम में और मंदिर वाले रूम में। तो ये है मेरा खुशी का रूम जहाँ पर मेरा बिल्लू भी सोया है, और अभी दिन में लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नींद आई तो ये भी सोया है। और ये है मेरे खुशी का रूम, खुशी का भी नहीं मतलब सबका ही है, तो कभी खुशी के साथ दीपक सो जाता है, कभी सीखा सो जाती है, कभी खुशी निहारिका सो जाती है, और कभी मैं भी सो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारे रूम अपने ही हैं। तो फिलहाल खुशी यहाँ पर सो रही है, तो ये एक यहाँ पर सिंगल बेड लगा हुआ है। तो सारे कमरे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो लास्ट में हमारा मंदिर कैसे छूट सकता है, तो मैं आपको ले आती हूँ मंदिर वाले कॉर्नर में। तो आइए इधर ही साइड को, ये रूम जो है वो पूरा हॉल है, ऊपर से इधर से लेके इधर तक पूरा हॉल रूम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो छोटी है, कम है, और लंबाई इसकी जो है बहुत लंबी है। तो ये हॉल है हमारा, तो इधर साइड को हमारा बच्चों का रूम हो गया और इधर साइड को है हमारा मंदिर का।
तो दोस्तों अब आता है मेरा मंदिर, जो कि मैं बहुत भक्ति वाली हूँ, आप देखते ही हैं, और भक्ति भाव जो है मेरे दिल से लगी हुई है। तो अब मैं अपने मंदिर को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो ये आ गया मेरा मंदिर रूम, और ये है मेरा मंदिर जहाँ पर है हमारे लड्डू गोपाल, हमारी माता रानी और हमारे श्री देवता, हमारे कुल देवता, कुल देवी, तो सभी भगवान यहाँ पर हैं, और हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठंडे का मौसम हो रखा है तो तभी ओढ़ आड़ के अपना बैठे हुए हैं। और ये है हमारे लड्डू गोपाल यानी हमारे भगवानों की अलमारी, जहाँ पर हमारे पूरे भगवानों का यहाँ पर सामान रखा रहता है, बुक्स रखी होती है जो कि मैं हमेशा पढ़ते रहती हूँ। ये हमारे नीम करौली बाबा जी की जो पुस्तक है, ये है भगवद गीता है जो कि मैं हमेशा पाठ करते रहती हूँ। यहाँ पर कुछ गिफ्ट हमको मिले थे दिवाली के टाइम पे, तो वो रखे हुए हैं। ऊपर ढोल मंजीरा वगैरह है, उधर हमारा गंगा जल रखा हुआ है। इस वाला हॉल रूम है, इसमें हमारे तीन विंडोज लगे हुए हैं, तीन इधर से हैं और तीन इधर से हैं, जो कि हमको दिखाते हैं बाहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू, और बाहर से रोड में आने जाने वालों को साग सब्जी वगैरह जो भी है वो सब हमको यहाँ से दिखाते हैं। और एक हमारा यहाँ से है दरवाजा, जो कि हम यहाँ से खोल के हमेशा हमको जैसे कोई नीचे से आवाज लगा रहा है या हमको कुछ देखना है, सब्जी वाला है या फ्रूट्स वाला है, जो कुछ भी है मतलब सब कुछ, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये है यहाँ का दरवाजा, तो ये है घर का दरवाजा, और यहाँ से हमारा सामने से दिखने वाला व्यू जो कि इस तरीके। तो ये था दोस्तों मेरा होम टूर ब्लॉग, कैसा लगा आपको? आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।